हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ओके जी, आज मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी से इसका रिव्यू शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ फिजियो जल, जो कि है एक डेली मॉइस्चराइजिंग थेरेपी क्रीम है फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। अच्छा जी, मेरी मोस्टली स्किन ऑयली है, एक्नी प्रॉन स्किन है, बट मेरी ड्राई हुई हुई है आजकल विंटर्स की वजह से, बट इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं काफ़ी केयर करती हूँ, तो ड्राई भी हो जाती है, ऑयली भी हो जाती है, सेंसिटिव भी हो जाती है। मेरी सेंसिटिव स्किन तब होती है जब मैं कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ करूँ, बट मैं सच्ची बताऊँ ये मैं बड़ी देर से ये यूज़ करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी, वो इस वजह से क्योंकि मैं डर रही थी क्योंकि ये थोड़ी महंगी है, ठीक है, और मैं इतनी महंगी प्रोडक्ट पे पैसे वेस्ट नहीं करती बिकॉज़ मेरी स्किन इस तरह की है कि वो कोई भी प्रोडक्ट मैं जब यूज़ न्यू करती हूँ न्यू प्रोडक्ट जब यूज़ करती हूँ तो वो बहुत बुरा रिएक्शन देता है, मेरी स्किन ख़राब हो जाती है। तो मैं बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट लेके आती हूँ जो बहुत महंगे हों या मुझे डर हो इस चीज़ का कि मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। बट मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यू देखे थे, बहुत सी वीडियोस देखी थी, और ये मैं तब से देख रही हूँ जब से ये लॉन्च हुआ था और सुना था कि ये बहुत अच्छा यानी कि ब्रांड है, बहुत अच्छी इनके प्रोडक्ट्स हैं। इवन कि मैंने इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने मैसेजेस करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि मेरी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रॉन स्किन है, तो मुझे उसके लिए बताएं। अच्छा जी, उन्होंने तो मुझे जो सेट बताया वो बताया, बट ये मैं विंटर्स के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अलफता से लिया था और ये मैंने ट्राई किया है, इसे तकरीबन एक माह हो चुका है मुझे यूज़ किए हुए। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ अंदर से, ठीक है, और मुझे ये यूज़ किए हुए एक महीना हो चुका है, और सीरियसली दोस्तों सीरियसली ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इतनी अच्छी क्रीम है कि मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली। यानी कि विंटर्स के लिए द बेस्ट है, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो एक्नी प्रोन स्किन हो, बिकॉज ये मेरी स्किन में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क किया है, जबकि इस पे ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से है, ये काफ़ी थिक है, ठीक है, ये काफ़ी थिक है, और मैं आपको इसका ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये मैंने फ़र्ज़ करें मैंने अगर सुबह लगाई है, इसमें एक SPF वाली भी आती है, वो मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैं ये ले आई। अगर मैं ये सुबह के टाइम लगाऊँ, ठीक है, तो ये कम से कम बहुत ईजीली 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं इसे, सीरियसली। यानी कि मैं इतनी हैरान हुई ये यूज़ करके, मुझे यकीन नहीं था हो रहा कि ये इतनी देर तक मतलब कि टिकी रहेगी। यानी कि विंटर्स में आपकी स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो वो काफ़ी इचिंग होती है, काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, और बहुत मुझे तो बहुत जलन होती है अगर मैं बार बार मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं। बट ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये ड्राई स्किन के लिए द बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में, ठीक है। ये मैं समर में बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाऊँगी बिकॉज ये काफ़ी क्रीमी है, थिक है, और काफ़ी देर तक ये इससे स्किन अच्छी रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, तो विंटर में ये बेस्ट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने इनकी जो एक मैडम है उनसे मेरी बात हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे जो ऑयली स्किन के लिए पूरा सेट बताया था, इंशाल्लाह मैं समर में वो भी लेके आऊँगी, वो भी ट्राई करूँगी, और वो भी आप उसका भी रिव्यू आपसे शेयर करूँगी कि वो ऑयली स्किन के लिए कैसे है। बट ये ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, इससे मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कि मुझे लगे कि अच्छा जी ये मेरी स्किन ख़राब हो गई है या जो भी, ठीक है। इसके पीछे ये लिखा हुआ है यूज़ किस तरह से करना है और एवरीथिंग। इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसकी प्राइस ये लिखी है, ये आई
डोंट नो कि ये ओरिजिनल प्राइस है या जो भी है, अलफता से मैंने ली थी वो वहाँ पे इस प्राइस की थी, ठीक है, SPF वाली नहीं थी तो वो मुझे नहीं मिली, छोड़ दो अजवा। और मैंने ये मुझे ये मिली और मैंने सोचा कि पहले मैं एक ट्राई करूँ, फिर बाकी फेस वॉश या कुछ भी जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करूँगी, क्योंकि इतना अगर एक्सपेंसिव आपने प्रोडक्ट लेना हो तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। तो जिनकी ड्राई स्किन है मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि ये ट्राई करें, खासकर विंटर्स में। ऑयली स्किन वाले भी जिनकी ड्राई स्किन आजकल हुई भी है वो भी यूज़ करें, बेशक इसकी प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट अगर आपकी स्किन अच्छी हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने पैसे मतलब के समझेंगे कि नहीं लगाते या सस्ती चीज़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि महंगी चीज़ से फ़र्क पड़े और सस्ती से नहीं, कई प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जो जो सस्ती प्रोडक्ट से भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरी नेल पॉलिश पे ना जाइएगा, ये मेरी बेटी ने आज मुझे लगाई है तो आज मैंने कहा चले मैं आपसे ये रिव्यू शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी लड़कियां पूछ रही थी हमें ड्राई स्किन के लिए बताएं, तो मेरी चूंकि ड्राई स्किन इतनी नहीं होती, हाँ विंटर्स में होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं, तो मेरी तब बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है जब मैं केयर नहीं करती। तो ये बेस्ट है, यकीन करें, ये मैंने अपने बैग में रखी होती है, यानी कि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने बैग में रख के लेके जाती हूँ ताकि ये मुझे जहाँ पे फील हो मैं ये यूज़ करूँ। तो ये 5 से 6 घंटे आराम से निकाल लेती है। तो आई होप कि जिनको ये जो मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रही थी कि हमें ड्राई स्किन के लिए बताएं, उनका उनके उसका उनका मसला हल हो गया होगा, ठीक है। तो ये देखे मेरी बेटी बहुत तंग कर रही है, तो चले ठीक है, मेरा मैंने आपको रिव्यू देना था, ये बहुत मेरे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ है जो कि जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जब आपकी आपको चीज़ सूट कर जाती है तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है कि हमें ये चीज़ सूट कर गई है। तो चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, नेक्स्ट ब्रांड के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए।